BSNL एम्प्लॉयज यूनियन मुरादाबाद की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक मुख्य दूरभाष केंद्र स्थित यूनियन के जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कामरेड जटाशंकर पाठक ने की तथा संचालन कामरेड अमीशा कुमार वर्मा ने किया। पदाधिकारियों ने अपनी अपनी शाखाओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जैसे टूल्स, ड्रॉप वायर, जम्पर वायर, HMT, ओशा टूल्स, फर्नीचर, शुद्ध पीने के पानी आदि की व्यवस्था करवाने के लिए जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला सचिव कामरेड अमरीश कुमार वर्मा ने बताया कि तीसरे वेतन पुनरीक्षण की मांग को लागू कराने हेतु दिनांक 12 दिसंबर एवं 13 दिसंबर 2017 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल बनाने का कार्यक्रम है। यदि सरकार ने वेतन संबंधी मांग न मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से कामरेड जटाशंकर पाठक, अमरीश कुमार, एन तिवारी, प्रीतम सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं अमरीश कुमार वर्मा, BSNL एम्प्लॉय यूनियन मुरादाबाद का जिला सचिव हूँ। किस चीज़ को? यहाँ हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक है आज, जो हम हर दूसरे महीने में मीटिंग करते हैं। हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो शिकायतें हैं, मांग पत्र हम लोग तैयार करते हैं, उसको यहाँ चर्चा करके साथियों के साथ में हमारी जो अलग अलग पूरे 3 जिलों के यहाँ हमारे ब्रांच सेक्रेटरीज हैं उनके साथ में हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या किस किस जगह पर क्या दिक्कतें हैं, और उनको फिर एक मांग पत्र तैयार करके हम प्रशासन को देते हैं। स्थानीय प्रशासन जो यहाँ पर हमारे प्रधान महाप्रबंधक हैं, उनको हम उसको लिखित रूप में देते हैं। फिर वो उनके साथ एक बैठक होती है हमारी, उस पर चर्चा के बाद दिशा निर्देश जारी होते हैं और तभी हमारी समस्याओं का समाधान निकलता है। इसी क्रम में आज ही हमारी बैठक थी। 12-13 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारा तीसरा वेतन पुनरीक्षण का हमारी मांग थी, जिसको लेकर के हम ये जो है उस पर भी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले 1 जनवरी 2017 से ये हमारा लंबित है और भारत सरकार, दूरसंचार विभाग और BSNL के प्रबंधन के सामने हमारी मांग है कि हमारा 11 महीने बाद भी वेज रिवीजन नहीं हुआ है, ये वेज रिवीजन किया जाए। इसके लिए हमने कई बार मांग पत्र दिया और हमने भोजन अवकाश में कार्यक्रम किया, मानव श्रृंखला हमने बनाई, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। तो मजबूर होकर के हम 12-13 को राष्ट्रव्यापी हमारी सारी यूनियन, सारी एसोसिएशन सब मिल करके ये प्रोग्राम करने जा रही हैं, और हमने निश्चय किया है कि अगर इसके बावजूद भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पूरी तरीके से दूरसंचार का प्रबंधन, दूरसंचार विभाग और भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी अगर ये हड़ताल के दिन हमें देखना पड़े। हालांकि इससे लोगों को असुविधा होगी, लेकिन ये हमें मजबूरी में हमारा उठाएगा कदम होगा। ये हमारा आज का एजेंडा है। ये